रविवार को सिविक सेंटर स्थित छविग्रह में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने पहुंचे दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के एस चौहान ने कहा कि कश्मीर की समस्या बहुत पुरानी है। कश्मीर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए अपनी बातें कुछ इस प्रकार से कही। एक्चुअली कश्मीर की प्रॉब्लम ना अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी है प्रॉब्लम। ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। 2000 ईसा पूर्व यहाँ पर यहूदीज रहते थे। यहूदीज के वंशज हैं, जिसे हम कश्मीरी पंडित के नाम से जानते हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। और यहूदियों के पूर्वज थे हमारे ऋषि मुनि, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे। उन्हीं के संचार के हिसाब से ये पूरा विश्व चलता था। होता क्या है कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में ऊर्जा के स्रोत को पहले नष्ट किया जाता है। जैसे खाद्यान्न के जो भंडार होते हैं वहां पर बमबारी की जाती है, एयरपोर्ट्स में बमबारी की जाती है, जहां पर युद्ध के सामान रखे जाते हैं, जो हथियार रखे जाते हैं, वहां पर बमबारी की जाती है। उस ऊर्जा के स्रोत को नष्ट कर दिया जाता है। वैसे ही पूरे ऊर्जा का स्रोत, हमारे अध्यात्म का हब, ऊर्जा का स्रोत हमारा है कश्मीर। जैसे एक पिक्चर में बताया गया है कि शंकराचार्य जी साउथ की तरफ से आए थे और दूसरे ऋषि मुनि और जगह से आए। तो मैं बता दूं आपको कि सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, पूरे विश्व से जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग थे, जितने भी जो आध्यात्म के लिए बहुत ज्यादा रुचि रखते थे, वो लोग सब लोग हमारे कश्मीर में आते थे यहाँ पर जप तप और ध्यान करने के लिए। इसीलिए हमारे को बचपन में बोला जाता था कि ध्यान करने हिमालय जा रहे हो क्या। और यहीं पर दर्शन शास्त्र भी के अधिकतर पुस्तकें जो लिखी गई हैं वो यहीं पर लिखी गई हैं। 90% दर्शन शास्त्र यहीं से हुआ है। चार सब्जेक्ट हमारे होते हैं, एक होता है भाषा, गणित, संज्ञान और दर्शन। दर्शन शास्त्र सबका लीडर है। चार सब्जेक्ट के लिए और पांचों कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बाकी सब उनकी शाखाएं हैं। तो दर्शन शास्त्र को मिटाने के लिए जो विदेशी आक्रांताएं आई, तो उन्होंने देखा कि इनका पावर क्या है। तो इनका पावर, जो हिंदुस्तानियों का पावर था, वो था यहाँ के ग्रंथ, दर्शन शास्त्र। तो उनके हजारों ग्रंथों, हमारे हजारों ग्रंथों को जला दिया गया। और उन्होंने ये देखा कि यहाँ इसका ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो वो था कश्मीर, जहां से बैठ के ये ग्रंथ लिखे गए थे। तो उसको विवादित कर दिया गया, उसको उजाड़ दिया गया। लेकिन अब जब ये समय आ चुका है कि वो फिर से बसेगा और यहीं से पूरे विश्व की संसद चलेगी, जो कि पहले भी चलती थी, आज से 4000-5000 वर्ष पहले। तो आपने टीवी में देखा भी होगा कि सरस्वती मंदिर वहां पर मिला है, जो पीओके के लाइन में है। वो एक्चुअल में वो यूनिवर्सिटी थी, जहां से कई साइंटिस्ट निकले थे, कई और दूसरे लोग निकले थे, जिन्होंने पूरे विश्व में फैल के विश्व का भला किया था। ये कश्मीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। और विदेशी आक्रांताओं का एक ये भी उद्देश्य था कि विश्व गुरु बनने से इसे रोका जाए, हिंदुस्तान को। अगर ये कश्मीर को यूज करते हैं तो विश्व गुरु बन सकते हैं। अब वो समय आ चुका है, 2025 तक ये होगा नहीं, और 2025 के बाद ये रुकेगा नहीं।